मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज का करते हैं व्लॉग शुरू। जी आज हम बनाएंगे आलू के फ्राइज। पहले से ही हमने इस मशीन की मदद से हमने आलू को तैयार कर लिया हुआ है। ये अब दो आलू बचे हैं तो हम इनको आपके सामने तैयार करते हैं। माशाल्लाह जी ये तैयार हो गए। माशाल्लाह फ्राइज हमारे कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा देते हैं ताकि तेल गर्म हो जाए। मैदा लगाते हैं, मैदा डालते हैं, ज्यादा मैदा नहीं लगाने की जरूरत, थोड़ा सा लगाना है बस। थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। इनमें पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इनका अपना ही पानी होता है। मुझे मालूम है कि आप मेरे डेरे वाला किचन मिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह वहाँ पर ही सब कुछ होगा। ये जो फ्राइज हैं ये वहाँ पर ही हमने तलने थे लेकिन रमज़ानुल मुबारक है तो इसकी वजह से हम घर में ही बच्चों की फरमाइश पर ये काम हो रहा है। बारिश भी हुई है बहुत ज़्यादा इसलिए हम घर में ही रमज़ानुल मुबारक का ये एहतमाम कर रहे हैं और ये फ्राइज बना रहे हैं। फ्राइज को तलने के लिए घी में डालते हैं। माशाल्लाह से इन्होंने रंग देना शुरू कर दिया है। फ्राइज हमारी तैयार हो गई हैं, अब इन्हें निकालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले की तरह ही हम फिर फ्राइज को तैयार कर लेते हैं। फिर से मैदा डालते हैं, नमक डालते हैं,
तो लैदा लैदा से कोशिश करें कि लैदा लैदा से इसको डालें। आग के चूल्हे और गैस के चूल्हे में फ़र्क होता है। आग के चूल्हे में पकाना मुश्किल होता है, गैस के चूल्हे में पकाना आसान होता है, लेकिन हमें तो आग के चूल्हे वाली हंडिया और ये फ्राइज पसंद हैं। माशाल्लाह से हमारे फ्राइज तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इनको फिर से निकाल लेते हैं। तरीके से इसको डालते हैं, मैदा डालते हैं, नमक डालते हैं, इंशाल्लाह से हमारे फ्राइज तैयार हो गए हैं।
ये हमारा फ्राइज़ का आखिरी परागा है, तो हम इसको तल लेते हैं, फिर इसके बाद हमारे ये फ्राइज़ तैयार हैं। फ्राइज हमारी तैयार हो गई हैं। कुछ हमारे पास चटनी है, कुछ हमारे पास केचप है, इन्हें कोलियों में डालते हैं। मजा आ गया। माशाल्लाह से अब्दुलरहीम का रोज़ा नहीं था, तो अब्दुलरहीम चूंकि छोटा बच्चा है, अब्दुलरहीम कहता है कि बहुत ही अच्छे फ्राइज हमारे तैयार हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए तले रखे, अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों और परेशानियों से महफूज फरमाए। साथ ही मियां मोहम्मद शफाक को इजाज़त दीजिए, सफाई में सम्मान है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह। अब जी कमाल हो गया।